अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल ए टू जेड इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम भाइयों को दिखाएंगे, हमने 800 वाट का सोलर सेटअप लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला पोर्शन है वो मुकम्मल 800 वाट पे चलता है। तो हम बताएंगे हमने 800 वाट में कितने पैनल लगाए हैं और इसमें क्या क्या लगाया है और क्या क्या इस पर चलता है। दो पैनल ये हैं और दो पैनल ये है और एक पैनल वो है। एक वो हमने एक एक्स्ट्रा स्टैंड बनवाया था, हमारा चूँकि इन्वर्टर छोटा है 12 वोल्ट का 1000 वाट का है, इस वजह से हमने ऑप्शन रखी है। अगर कल को हम चेंज करें तो इधर हम एक एक्स्ट्रा प्लेट इसमें ऐड कर सकेंगे। तो चलें आपको दिखाते हैं हमने इसके कनेक्शन किस तरह किए हैं। और देखें पैरेलल कनेक्शन हुए हैं इसके सारे, एक प्लेट ये होगी, एक ये और एक ये और दो प्लेटें ये, इन सब का हमने पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है क्योंकि हमारे पास प्लेटें थोड़ी सी ज़्यादा थी इन्वर्टर के हिसाब से, इस वजह से हमने पैरेलल में कनेक्शन किया है ताकि सारी प्लेटों से हम करंट ले सकें। और अब हम आपको नीचे जाके दिखाएंगे इस पर क्या क्या चलता है और इस पर हमने इन्वर्टर कौन सा लगाया है। वाशिंग मशीन भी चलती है इस पर, पंखे भी चलते हैं, सारी घर की तमाम लाइट्स ऊपर वाले पोर्शन की चलती हैं। हाँ जी, ये हमने 12 वोल्ट का जो इन्वर्टर है जो प्रो लाइन कंपनी का है जो हमने इसमें इंस्टॉल किया है और विदाउट प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि घर में लगाया भाई ने कहा हमने प्रोटेक्शन नहीं लगवानी, हमने बोला चले जिस तरह आपको अच्छा लगता है। तो आप अभी देख सकते हैं कि वापटा नहीं ले रहा और सिर्फ ये सोलर के साथ ही चार्ज और बैटरी इसने फुल कर दी है, बैटरी इसने फुल कर दी है। और इसकी हम तो बढ़ दें इसमें हम इसकी हम आपको स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि क्या है और इसमें किस तरह जो कनेक्शन हो गए। ये देखें जो इसकी रेंज है वोल्टेज की वो 100 वोल्ट डीसी है, 50 एम्पेयर के आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पेयर ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा अगर आप 50 एम्पेयर से ज़्यादा देंगे तो इसके साथ आपको एक ब्रेकर लगाना पड़ेगा जो क्रॉसिंग ब्रेकर होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारे जो इसके एम्पेयर हैं तकरीबन वो 30-35 के करीब फुल गर्मी में ये हमें देता है जो सोलर पैनल ऊपर लगे हुए हैं, इस वजह से हमने इसको प्रोटेक्शन ब्रेकर नहीं लगाया। अब नीचे आएंगे आपको दिखाएंगे कि ये मैक्सिमम जो बैटरी का है ये 76 एम्पेयर की है बैटरी, वो हमने जो लगाई है ये लगी हुई है 12 वोल्ट की। और ये सारा सेटअप हमने 5 प्लेटों पे लगाया है और अब हम आपको दिखाएंगे इस पर क्या क्या चलता है और सारे घर का लोड चला के दिखाएंगे। ये हमने इसके साथ एक अदद एसी फैन लगाया है जो एसी है डीसी नहीं है, और एक इसमें हमने बड़ा बल्ब लगाया है इन्वर्टर के साथ अटैच किया है, आपको दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका बैकअप माशाल्लाह सूरज ग्रूब होने के बाद भी 5 से 6 घंटे का है। अब आपको दिखाएंगे इस पर हमने एक अदद एलसीडी, एक अदद वाशिंग मशीन और इसके अलावा 2 अदद पंखे हमने इसके साथ अटैच किए हैं जो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि वो टोटल लोड इस पर चलता है 800 वाट पे। आप देख सकते हैं ये टोटल हमने सोलर पे सेटअप को कर दिया है